आपके पास कोई ऑर्डर है? हाथ मार। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज हाथ। ओके सर, थैंक यू। देश एक आवाज होती है, और आज जो हमने प्रियम्बल पढ़ा, संविधान पढ़ा, वो हिंदुस्तान की जनता की आवाज थी। उस आवाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उस आवाज ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया, प्यार से, शांति से, मगर बिना पीछे हटे। उसी आवाज ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया, भाखड़ा नंगल बनाया, रेलवे लाइनें लगाई, एयरपोर्ट बनाए। उस आवाज के बिना हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस आवाज को दबाया जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की उन्नति को नष्ट किया जाए, तोड़ा जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की शक्ति, हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए, और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका। अजीब सा दिन है, जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए, वो काम आज नरेंद्र मोदी पूरे दम लगा के कोशिश करने की, पूरे दम लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उन्नति नष्ट हो जाए, हमारी उन्नति नष्ट हो जाए, और देश की आवाज शांत हो जाए, चुप हो जाए। नरेंद्र मोदी जी, जब आप जुडिशरी पे दबाव डालते हैं तो आप देश की आवाज को चोट पहुंचाते हैं। जब आप स्टूडेंट्स पर लाठी चलवाते हैं, गोली चलवाते हैं, तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश करते हो। जब आप हमारे जर्नलिस्ट यहां जो खड़े हैं, जब आप इनको डराते हो, इनको दबाते हो, तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं से रोजगार छीनते हो, नोटबंदी करते हो, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को, छोटे दुकानदारों को दबाते हो, आप देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, आप कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, गलत फहमी में मत रहो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये देश की आवाज है, और देश की आवाज के खिलाफ आप खड़े हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके मित्र अमित शाह को बताना चाहता हूं, कि यह आवाज कांग्रेस की नहीं है, यह आवाज भारत माता की आवाज है। और आप ये बात मत भूलो, अगर आप इस भारत माता की आवाज के सामने खड़े रहोगे, अगर आप इस भारत माता की आवाज को स्टूडेंट्स को, प्रेस वालों को, जुडिशरी को दबाने की कोशिश करोगे, तो भारत माता आपको जबरदस्त जवाब देने जा रही है। और जहां तक कपड़ों की बात है, नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आपको अपने कपड़ों से पहचानता है। 2 करोड़ रुपए का सूट हिंदुस्तान की जनता ने नहीं पहना था, आपने पहना था। यह देश एक है, आप देश को जवाब दीजिए, आप देश के करोड़ों स्टूडेंट्स को जवाब दीजिए, आपने हिंदुस्तान की शक्ति को, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को क्या किया, क्यों नष्ट किया, आप देश को बताइए।
कि जहां हमारी 9% ग्रोथ रेट होती थी आज 4% ग्रोथ रेट हो कर दी है आपने। आप हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को, युवाओं को बताइए कि आज उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। आप रोजगार नहीं दे पाए, आप अर्थव्यवस्था को चला नहीं पाए, इसीलिए आप नफरत के पीछे छुप रहे हो, इसलिए आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी बाहर आइए और हिंदुस्तान के युवाओं को बताइए उनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप। बाहर आइए, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों को बताइए, उद्योगपतियों को बताइए, युवाओं को बताइए आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया। आप कुछ नहीं कह पाएंगे, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, आपको सालों से आपके संगठन ने सिखाया है और मैं यहां से कह सकता हूं कि इस काम को करने में आपसे कोई बेहतर नहीं है। हिंदुस्तान को कैसे बांटा जाए, हिंदुस्तान में नफरत कैसे फैलाई जाए, हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए, ये आपको सालों के लिए सिखाया गया और आप इसमें नंबर वन है। और आज ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है, आज ये देश इस बात को समझ रहा है, आज इस देश के कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सारे के सारे समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ नफरत फैलानी आती है और कुछ नहीं आता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता, ये भारत माता की आवाज आपको इस देश पर आक्रमण नहीं करने देगी, आपको इस देश को बांटने नहीं देगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म के व्यक्ति ने बनाया था, अंबेडकर जी ने बनाया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं कर सकते हो, पूरा हिंदुस्तान आपको रोकेगा। आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं यहां पे, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सच्चाई जानते हो और आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ोगे। मैं समझता हूं कि आप चुप नहीं रहोगे और हम सब चुप नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जब आप हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं से रोजगार छीनते हो, नोटबंदी करते हो, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को, छोटे दुकानदारों को दबाते हो, आप देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, आप कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, गलत फहमी में मत रहो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये देश की आवाज है और देश की आवाज के खिलाफ आप खड़े हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके मित्र अमित शाह को बताना चाहता हूं कि ये आवाज कांग्रेस की नहीं है, ये आवाज भारत माता की आवाज है। और आप ये बात मत भूलो, अगर आप इस भारत माता की आवाज के सामने खड़े रहोगे, अगर आप इस भारत माता की आवाज को स्टूडेंट्स को, प्रेस वालों को, जुडिशरी को दबाने की कोशिश करोगे, तो भारत माता आपको जबरदस्त जवाब देने जा रही है। और जहां तक कपड़ों की बात है, नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आपको अपने कपड़ों से पहचानता है। 2 करोड़ रुपए का सूट हिंदुस्तान की जनता ने नहीं पहना था, आपने पहना था। यह देश एक है, आप देश को जवाब दीजिए, आप देश के करोड़ों स्टूडेंट्स को जवाब दीजिए, आपने हिंदुस्तान की शक्ति को, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को क्या किया, क्यों नष्ट किया। आप देश को बताइए कि जहां हमारी 9% ग्रोथ रेट होती थी आज 4% ग्रोथ रेट हो कर दी है आपने। आप हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को, युवाओं को बताइए कि आज उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। आप रोजगार नहीं दे पाए,
आप अर्थव्यवस्था को चला नहीं पाए, इसीलिए आप नफरत के पीछे छुप रहे हो, इसलिए आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी बाहर आइए और हिंदुस्तान के युवाओं को बताइए उनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप। बाहर आइए, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों को बताइए, उद्योगपतियों को बताइए, युवाओं को बताइए, आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया। आप कुछ नहीं कह पाएंगे, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, आपको सालों से आपके संगठन ने सिखाया है और मैं यहां से कह सकता हूं कि इस काम को करने में आपसे कोई बेहतर नहीं है। हिंदुस्तान को कैसे बांटा जाए, हिंदुस्तान में नफरत कैसे फैलाई जाए, हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए, ये आपको सालों के लिए सिखाया गया और आप इसमें नंबर वन है। और आज ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है, आज ये देश इस बात को समझ रहा है, आज इस देश के कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सारे के सारे समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ नफरत फैलानी आती है और कुछ नहीं आता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता, ये भारत माता की आवाज आपको इस देश पर आक्रमण नहीं करने देगी, आपको इस देश को बांटने नहीं देगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म के व्यक्ति ने बनाया था, अंबेडकर जी ने बनाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं कर सकते हो, पूरा हिंदुस्तान आपको रोकेगा। आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं यहां पे, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सच्चाई जानते हो और आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ोगे। मैं समझता हूं कि आप चुप नहीं रहोगे और हम सब चुप नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।